আসানসোলের রেলপাড় আজাদ বস্তি এলাকায় অবৈধ নির্মাণ ভাঙতে গিয়ে বিক্ষোভের মুখে পড়তে হলো প্রশাসনকে। অবৈধ নির্মাণ না ভেঙে ফিরে যেতে হলো আসানসোল পৌর নিগম, ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতরের কর্তা ব্যক্তিদের। অভিযোগ, বিনা অনুমতিতে পুকুর সংলগ্ন এলাকায় তৈরি হচ্ছিল একটি পাকা বাড়ি। পৌর নিগমের পক্ষ থেকে বারংবার নোটিশ দেওয়া সত্ত্বেও বাড়ি তৈরির কাজ চালিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। শেষে পৌর নিগম ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের কর্তারা আসানসোল উত্তর থানার পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে অবৈধ নির্মাণ ভাঙতে যায়। ভাঙার কাজ শুরুও হয়। এরপর চরম বিক্ষোভের মুখে পড়েন পুলিশ ও অন্যান্য কর্তা ব্যক্তিরা। एक्शन करा था मतलब गार्ड रूम करने के लिए, ये टोटल जितना भी कॉरपोरेशन के आदमी चले आए जेसीबी से भी लेके तोड़ने के लिए, ये तो सरासर अन्याय मेरे लिए। हम कुछ समय भी लेना चाह रहे हैं तो उसमें समय नहीं दिया जा रहा मेरे लिए। बोला गया है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन है, इलीगल तक हम तो बोल रहे हैं कि हम तो सिर्फ गार्ड रूम कर रहे हैं, इसमें जितना जो आप एक्स्ट्रा जो हो रहा है उसको हम तो तोड़ने के लिए तैयार ही है, खत्म कर देंगे हम उसको। पोखर तो टोटल बंद था सर, इसको चालू करने वाला हम है, जरा सा पानी तक नहीं था, जंगल कटाना पूरा, जितना भी मट्टी उट्टी भराना टोटल काम हमारा किया हुआ है। कॉर्पोरेशन क्यों है, जमीन आपका नहीं है क्या? जमीन तो इसमें मेरा भी अंशुदार भी हम है, 88 भी हम है, दोनों चीज हम टोटल मालिक का मतलब बोला हुआ भी है कि तुम यहाँ पर अपने गार्ड रूम अच्छा सा बना करके रहो, बराबर तुम्हारा टूट जाता है, इसी कारण से हम खास करके इसको जरा ठीक ठाक से जरा बनाए हैं। बड़ा बड़ा बिल्डिंग बन गया, ये कहाँ सोया हुआ है? कॉर्पोरेशन के लोग, एडीए के लोग, कहाँ पे सोया हुआ है लोग, हम लोग से जानना चाहते हैं। अगर जो एक आदमी शुरू में एक आदमी कदर करेगा तो नहीं चलेगा, कानून सबके लिए। अगर जो इसको इनलीगल मान रहा तो हम उन लोग से रिक्वेस्ट करेंगे, मेयर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे और एडीए के बिलोरों से रिक्वेस्ट करेंगे और जितना अफसर रहा रिक्वेस्ट करेंगे, जितना तालाब का जगह जो नाक का बगल में बाईपास के बगल में एडीए के बगल में था वहां कोस्टली जगह, वहां भी तो शूटिंग वूटिंग वगैरह बना, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बन गया, उसका जिम्मेवार कौन है? हम तो समझते हैं कि उसका जिम्मेवार यही लोग है, एडीए है जिम्मेवार, आपका मेयर साहब जिम्मेवार है, ये तो उसके बारे में कार्रवाई करें। अगर इस गरीब आदमी को तोड़ा, चूंकि हम लोग रास्ते से गुजर रहे थे, देख रहे गरीब आदमी का घर तोड़ रहा, क्यों तोड़ा भाई? कागज पत्र सब ओके, बोला कंस्ट्रक्शन नहीं है भाई, ऐसा बहुत से लोगों का नक्शा पास नहीं है, खुद कॉर्पोरेशन का जो दो नंबर बोलेरो बोलेरो ऑफिस है खुद बोला उसका नक्शा बना करके मेयर साहब देना, तो ये सब बात बोलने में अच्छा लगता है कॉर्पोरेशन का आदमी को अपने पर में जाके। इसके শেষে চার দিন সময় সীমা চেয়ে তারা বলেন সমস্ত কাগজপত্র নিয়ে দেখা করবেন, তারপর এই বাড়ি তৈরির কাজ শুরু করা হবে। তবে চার দিনের সময় দিয়ে ফিরে যান আধিকারিকেরা। ইনফরমেশন মিলিয়ে তো হমনে আপনি টিম কো ভেজা, টিম মে হমারে বহুত ল্যান্ড দপ্তর সে ভি থে অর কর্পোরেশন সে ভি থে, তো অর হমনে বো কনস্ট্রাকশন রোকা, ये दो तीन दिन पहले हमें कंप्लेंट मिला था, बेसिकली हमने आज ये कार्रवाई की और हमने वहाँ पर जो है कुछ डेमोलिशन प्रोसेस भी स्टार्ट किया है, तो हम इस ये जो सिस्टम है इसको हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे और हम चाहेंगे कि जो आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है यहाँ पर जितनी भी बिल्डिंग्स बने वो लीगलाइज्ड बने, थ्रू प्रॉपर प्रोसीजर बने। अगर किसी को कोई दिक्कत आती है बिल्डिंग सेंक्शन प्लान लेने में, कन्वर्जन सर्टिफिकेट लेने में, ठीक है, वो डायरेक्टली मेरे पास आ सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं और विद इन 7 to 10 days उनकी जितनी भी क्लियरेंसेज हैं हम उनको मीटअप करेंगे। बट ये हमारे लिए इस आसनसोल के लिए फ़ायदेमंद है कि हम जितने भी सेटलमेंट्स हैं इनको प्रॉपर करें, इनको फॉर्मल करें। अगर हम इस तरह से विदाउट एनी बिल्डिंग सेक्शन प्लान, विदाउट एनी लीगल सेंटिटी कोई भी कंस्ट्रक्शन करते हैं तो इसमें फिर बहुत सारे इश्यूज पैदा होते हैं, ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपरली नहीं हो पाता है। এলাকায় উত্তেজনা চরম পর্যায়ে পৌঁছে যাওয়ায় পুলিশের সংখ্যা বাড়ানো হয়। এখন দেখার, চার দিন পর পুকুর লাগোয়া এলাকায় তৈরি হওয়া এই নির্মাণ কাজ প্রশাসন ভেঙে দেয় কিনা। পাবলিক টাইমস।